गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 10.2 एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू दैट एक्सरसाइज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, वी हैव थ्योरम 10.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड। What is the statement of theorem 10.3? The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. This is the statement of theorem 10.3. According to statement, the perpendicular from a center, from the center, यानी एक circle है, this is a circle with center O. अब क्या है, कोड है, ये कोड है, अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ओ है, ए है, बी है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मींस ए सी इक्वल्स टू बी सी, हमें प्रूफ करना है। हम लोग गिवन में क्या लिखते हैं, गिवन a circle with center O in which AB is chord. हमें क्या करना है, to prove AC equals to BC. तो प्रूफ से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना हो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन OA और OB को ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। Join OA and OB. अब जब हम OA और OB को join कर दिए तो हमारे पास दो triangle formation हो गया, एक triangle हो जाएगा OAC और दूसरा triangle हो जाएगा OBC. अब proof में देखें, in triangle AOC and triangle BOC we have
दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.3। थ्योरम हमारा क्या कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड, यानी जो परपेंडिकुलर है कहां से, जो सेंटर से कहां किस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं कोर्ड पे, वो क्या करेगा, वो कोर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। हमारा क्या है, गिवन सर्कल विद सेंटर ओ इन व्हिच एबी इज द कोर्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव एसी इक्वल्स टू बीसी, मींस एसी इक्वल्स टू बीसी हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्वाइन ओए, हमें क्या ज्वाइन करना होगा, OA को ज्वाइन कर दिया और OB को, और OA और OB क्या है रेडियस, सो OA इक्वल्स टू OB हो जाएगा। अब हम प्रूफ में, प्रूफ में हमें ये दे रहे हैं इन ट्रायंगल OAC, ये हो गया हमारा ट्रायंगल OAC और ये ट्रायंगल हो गया हमारा BOC, दोनों ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC। अब ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कंग्रुएंट प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमें OA इक्वल्स टू OB मींस रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसके बाद क्या हो जाएगा OC, OC विल बी कॉमन इन बोथ ट्रायंगल एंड एंगल ACO और एंगल BCO विल बी इच 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पहले ही हमें गिवन है कि OC क्या है परपेंडिकुलर लाइन है। तो क्या हो गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, क्या हो जाएगा ट्रायंगल AOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, तो क्या हो जाएगा बाय CPCT AC इक्वल्स टू BC। नाउ वी विल मूव टू थ्योरम 10.4। थ्योरम 4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect a chord is perpendicular to the cord। This is theorem number 4। Theorem number 4 में क्या बोला गया है कि the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to chord। We can say that this theorem is the converse of theorem 10.3। उसमें हमें क्या, हमने क्या प्रूव किया था कि जो लाइन हम सेंटर से कोर्ड पे ड्रॉन करते हैं वो क्या होता है, कोर्ड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास क्या गिवन है कि वो कोर्ड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, कोर्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो वो लाइन है वो 90 डिग्री बनाएगा। अगर हम सेम फिगर लेते हैं लाइक लास्ट थ्योरम, ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ये कोर्ड हो गया ए बी,
तो हमें प्रूफ क्या करना है, AC परपेंडिकुलर टू OC परपेंडिकुलर टू A गिवन लिख देते हैं। ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड AC इक्वल्स टू BC। हमारा क्या है इसमें AC इक्वल्स टू BC, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है OC परपेंडिकुलर AB। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टर्म में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया था, हमने क्या ज्वाइन किया था, OA और OB को। इसमें भी हमें ज्वाइन करना होगा OA और OB को। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी प्रूफ। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल ACO और ट्राइंगल BCO लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO वी हैव, हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट AO इक्वल्स टू OB रेडियस, ये हो गया हमारा रेडियस। उसके बाद क्या हो जाएगा, OC कॉमन OC कॉमन हो गया और AC इक्वल्स टू BC ये हो जाएगा गिवन। तीनों साइड से तो बाय ये हो गया ट्राइंगल AOC कन्वर्जन टू ट्राइंगल BOC। देन बाय CPCT क्या होगा, एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO। See, this is the proof of theorem 10.4। हमारा गिवन क्या, ए सर्कल विद सेंटर ओ और क्वाड्रेंट क्या बाइसेक्टेड है, यानी AC इक्वल्स टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है,
ओसी परपेंडिकुलर टू एबी। इसके लिए हम क्या हुआ, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ओए को ज्वाइन कर दिया और ओबी को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ओएसी और ओबीसी को कन्वर्ट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, ट्राइंगल ओएसी और ओबीसी को कन्वर्ट प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, पहले ओए ओए विल बी इक्वल्स टू ओबी, क्यों, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ओसी, ओसी क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल में ओसी क्या है, कॉमन है। उसके बाद एसी इक्वल्स टू बीसी गिवन है, क्या है, एसी इक्वल्स टू बीसी गिवन है। तो क्या हो गया, तीनों साइड हो गए, तो वाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, देन बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, कि विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ ये है और एंगल बी ओ सी, बी सी ओ होगा, बी ओ सी नहीं होगा, बी, हाँ बी सी ओ, एंगल बी सी ओ दिस एंगल विल बी इक्वल, एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ इक्वल होगा। बट क्या है कि एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है, क्यों है सम 180, क्योंकि लीनियर पर, क्योंकि ए बी कोड है जो एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हम ये लाइन ड्रॉ किया, तो सो इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा, 180। तो क्या हो जाएगा, सो बी सी ओ के स्थान पर हम ए सी ओ रख दिया, तो ट्वाइस ए सी ओ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, हिंस ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्या हो गया, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी थी और ए बी। सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.4। Now moving to exercise 10.3. Question number first, draw different pair of a circle. How many point does point each pair of have common? What will be the maximum number of common points? हमें different pair of circle ड्रॉ करना है और उसमें हमें बताना है मैक्सिमम नंबर। तो एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। I have drawn three pair of circle. पहले में क्या है, नो कॉमन पॉइंट, इसमें क्या है, नो कॉमन पॉइंट। इसमें नो कॉमन पॉइंट क्यों है, क्योंकि हमने दोनों सर्कल को अलग अलग ड्रॉन किया है। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, कितने कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट। तीसरे में क्या कितना जाएगा, दो कॉमन पॉइंट, टू कॉमन।
कॉमन पॉइंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हो जाएंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू हैव गिवन सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उसे इसका हमें सेंटर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमारे पास ये सर्कल है और हमें मालूम नहीं है कि इसका सेंटर क्या है और हमें इसका सेंटर बताना है। क्या बताना है? सेंटर बताना है। तो इसका कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो कोड ड्रॉ करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ टू कोड्स। टू कोड्स हमने एक ये कोड ड्रॉन कर दिया, ये हो गया हमारा ए बी। दूसरा हम ड्रॉ करते हैं सी डी, ये हो गया हमारा कोड्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा कोड का लेंथ है, यानी कंपास लो, कंपास में क्या करो कि जो कोर्ड का लेंथ है उससे हाफ से ज्यादा फिक्स करो और इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाओ, सिमिलरली दिस साइड, और यहाँ से भी लगाओ, इस तरीके से लगाओ और जो दो कट पॉइंट बनेंगे उनको ज्वाइन कर दो। समझ में आ गया? सिमिलरली इसका तुम्हें फाइंड करना है, उसके जो कट मार्क्स आएंगे उन दोनों कट मार्क्स को ज्वाइन कर लो। और जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। जस्ट सिंपल सा है, इसमें ज्यादा नहीं, 2-3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है कि दो कोड ड्रॉ करो। दूसरा स्टेप क्या है कि दोनों कोर्ट का क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। और उसके जब वो दोनों लाइन जहां जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोर। दो सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट टू पॉइंट, सपोज दिस इज सर्कल 1, दिस इज अनदर सर्कल विथ सेंटर ओ एंड सेंटर ओ डैश। अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो इन दोनों बाइसेक्टर का कॉमन कोर है, ये जो कोर है इसको जो सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसको बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर। मींस अगर हम इसको ए लिखते हैं, ये हमारा पॉइंट बी, तो क्या होगा, हमें प्रूव करना है इसको सी ले लेते हैं, तो एंगल बी सी ओ डैश या एंगल बी सी ओ विल बी इक्वल्स 90 और बी सी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है।
तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश हैव टू कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। That is A and B। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव O डैश O परपेंडिकुलर टू AB एंड AC इक्वल्स टू BC। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ओ डैश ए, ओ डैश बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन ओ डैश ए ओ ए ओ डैश बी एंड होगी। अब क्या करें, हमें मेनली प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल जो बी सी ओ डैश और ए सी ओ डैश है ये कंग्रुएंट है। तो उस कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, या ये दोनों ट्रायंगल है या ये दोनों ट्रायंगल है कोई भी ले लें, अगर ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, ये इक्वल है और ये इक्वल है और ये भी कॉमन है, तो हमें एंगल इक्वल करना होगा। तो हम ये एंगल को इक्वल कर सकते हैं कैसे, अगर हम ट्राइंगल ओ ए ओ डैश लेते हैं और ट्राइंगल ओ बी ओ डैश लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये हो गया इस सर्कल का रेडियस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ ए, दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड ओ डैश विल बी कॉमन। सो नाउ इन प्रूफ वी विल सी प्रूफ इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश वी है, हमारे पास क्या है, ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ डैश इक्वल्स टू ओ डैश बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ डैश ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश बी ओ। अब क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ए ओ डैश ओ एंगल ए ओ डैश ओ विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डैश ओ, ये हो गया ओवर। अब लेते हैं ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ओ डैश ए सी एंड ट्राइंगल ओ डैश बी सी वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी ओ डैश सी और डैश सी कॉमन, ये हो गया रेडियस, ये हो जाएगा, और एंगल ए ओ डैश ओ बी
ओ डैश ओ प्रूफ क्या हो जाएगा बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ डैश ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश बी सी वाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल ए सी ओ डैश इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ डैश बट एंगल ए सी डैश ए सी ओ डैश प्लस एंगल बी सी ओ डैश इज 180 तो ये है टू यूजिंग इक्वेशन टू वी हैव एंगल ए सी ओ डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें यही प्रूव करना था सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 टुडे वी हैव कंप्लीटेड थ्योरम 10.3 10.4 एंड एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट दिस इन योर होमवर्क